फ्री गैबलिन 75 कैप्सूल। इस रिलेटेड कई सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या डोज होता है, क्यों लेना चाहिए, किस तरह की समस्या मिलना चाहिए, कैसे बेनिफिट साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। फ्री गैप 75 कैप्सूल, इसे जो बनाता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, और इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का 1 स्ट्रिप है, जिसकी कॉस्ट 203 रुपये है, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया प्री गैबलिन 75 mg ऐड किया गया है। इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूरोपथिक पेन के लिए, यानी नर्व से रिलेटेड जो आपको समस्या रहती है, यानी आपका नर्व पेन होता है या नर्व डैमेज हुई है तब आपको जो दर्द होता है तब, या कहीं आपको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई है जिसकी वजह से आपका नर्व पेन कर रहा है तब, या जैसे कभी आपको मार वगैरह लग गई है सर में जिसकी वजह से आपका नर्व पेन कर रहा है, आप डायबिटिक पेशेंट है जिसमें आपके नर्व काफ़ी जैसे कि डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू डायबिटिक, उसमें जो आपको नर्व सिग्नल जो आपको पेनिंग करता है तभी भी इसे दिया जाता है, या जैसे कि आपको झटके आते हैं यानी आपको मिर्गी वगैरह आती है तो उसमें भी इसे दिया जाता है, ताकि आपको जो अनकंडीशनल आपके दिमाग में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहे थे वह कम हो जाए, ताकि आपको ये जो आपको सीजरियन यानी कि जो आपको बार बार जो झटके आ रहे थे मिर्गी आ रही थी वह कम हो जाए। मोस्टली जो इसका दिया जाता है वो नर्व पेन के लिए दिया जाता है, जब आपको नर्वसों से रिलेटेड दर्द रहता है या झंझनाहट रहती है आपके अंदर, या आपका नर्व इंजरी हुआ है तब इसे दिया जाता है। काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी आपको रिकवरी कराने में मदद करता है। कभी कभी इसका काफ़ी लंबे समय तक आपके अंदर इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर देते हैं, क्योंकि अगर आपको सर का मार लगा है तो काफ़ी समय तक ये चलता है, आपके नर्व फाइबर इतने जल्दी जो कि डैमेज हो रहते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, तब इसे ज़्यादा समय तक देते हैं डॉक्टर। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसका सिंगल डोज लेते रहें, हर दिन लेते रहें। अगर आपको जैसे कि शॉर्ट टर्म में डॉक्टर दिया जैसे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए दिया है तो आप सिंगल डोज लें। अगर डॉक्टर आपको सिंगल डोज में आपको फ़र्क नहीं देख पा रहा है तो डॉक्टर आपको ट्वाइस भी बोल सकता है, जिसमें आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय लेना पड़ेगा, और इसे 1-1.5 महीना लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो नर्व पेन हो रहा था या नर्व डैमेज हुई थी वह रिकवरी में आए और आप ठीक हो जाएँ। इसका जो इस्तेमाल करें तो इसे चबाएं नहीं, क्रश नहीं करें, डायरेक्ट पानी के साथ में निकले। कोई डोज मिस कर जाए तो सिंगल डोज फॉलो करें, डबल डोज लेने की कोशिश नहीं करें। और जैसे आप इसे ले रहे हैं तो जहाँ तक मोस्टली खाना खाने के आधे घंटा बाद लें, ताकि आपको कमजोरी वगैरह फील नहीं हो या उल्टी या जी नहीं मच रहा है आपका। अगर आप खुद से लेंगे इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो हर किसी में नहीं किसी किसी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका धुंधलापन आपको दिखाई दे सकता है, आपको अटेंशन करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, या जैसे कमजोरी फील कर सकते हैं, मुंह में पानी की कमी हो सकती है, आपके अंदर थोड़ा सा सूजन वगैरह आ सकता है, ज़्यादा नींद आ सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हर किसी में नहीं किसी किसी में देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप अपने दिल से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, आपके मदद की मुझे ज़रूरत है, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका डाउट है डायरेक्ट किसी वीडियो में पूछ सकते हैं, मिलते हैं।